जैसे ये लगे हुए हैं। वाओ कितना प्यारा लग रहा है सामने मौसम, देसी स्टाइल है, गांव का स्टाइल है पानी डालने का। इसका सर का स्ट्रक्चर बड़ा अजीब सा होता है। वहीं से अच्छा योगी जी का घर वहीं है। मोटो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैच लाइफ विद अंकित में। और अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं, अभी नहाए भी नहीं है क्योंकि गांव में पानी की बड़ी दिक्कत है, तो अभी पानी आ भी नहीं रहा है। पापा ताऊ जी बारात में गए हुए थे ऋषिकेश, फिलहाल इसमें से तुलसी के पत्ते तोड़ रहा हूँ मैं चाय में डालने के लिए। ये लो। तो चाय बन के रेडी हो चुकी है, कुछ बोलना चाहेंगे? चाय बनाई आपने गाँव में? और आज जो है धूप लगी हुई है आज तेज। ये जो रस होते हैं ना गांव के, आई डोंट नो बट इन्हें जितना मतलब इसने ऐसा था पूरा पैकेट ही खा। तो दोस्तों अभी जो है यहाँ पे तोरी की सब्जी बना रखी है। जब कभी पानी आया था तो हम ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा दोनों भर के ले आए ऊपर से। तो भाई नाश्ता हो चुका है पूरा। गाँव में की सब्जी तो आप कुछ भी सब्जी खा लो बहुत टेस्टी होती है, भले ही आप शहर में खाओ ना खाओ। यहाँ पे ना शायद पानी बंद हो गया है तो लोगों को काफ़ी देर तक यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है पानी का, अपनी बारी का। और फिर भी भरोसा नहीं है कि पानी कब तक आएगा। पानी की वजह से ही लोग शायद पलायन भी कर रहे हैं यहाँ से। पर हाँ एक चीज़ है, लोगों को मानना पड़ेगा क्योंकि उनका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ आके इंतज़ार करना अपनी बारी का, एक एक डब्बे को भरने के लिए इतनी देर तक बैठे रहना। और एक्चुअल में गाँव में आके पता लगता है कि पानी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो अभी का सीन ही हो रहा है, अभी ताऊ जी दुकान पर आ गए हैं शादी से, मतलब ऋषिकेश से डायरेक्ट दुकान पर आ गए, तो अब ताऊ जी को हम नाश्ता देने जा रहे हैं। तो अभी ताऊ जी के लिए नाश्ता और लंच पैक हो रहा है, नाश्ता और लंच। इसमें ताऊ जी के लिए चाय रख दी है, गांव का जुगाड़ है। अभी हमें कुछ मिला नहीं तो हमने इसमें रख दिया। ये गांव में हमें डोलची देनी है क्योंकि हम दूध लाते हैं दूध गांव से। ताऊ जी को खाना दे दिया है और अब हम वापस आ रहे हैं दुकान से। और वो है सामने हमारा गाँव और इन्हीं के पीछे 150-200 मीटर की दूरी पर हमारा घर है। तो हमने देखी होगी पहले व्लॉग्स में, मैंने आपको दिखाई है, नहीं देखी होगी तो लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। वो शेल्टर है, इधर ही ताऊ जी की दुकान है शेल्टर के थोड़ा आगे आके, और ये रोड जा रही है आगे गांव के लिए। ताऊ जी की दुकान से हमारे घर तक का रास्ता अराउंड मतलब 1 किलोमीटर के अराउंड होगा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली घर ताऊ जी को खाना देके। और हमारे घर के जस्ट इधर यहाँ पे ये आम का पेड़ है, ये हैं गाँव के आम, अभी ये पकेंगे अभी तो कच्चे हैं जैसे ये लगे हुए हैं। तो अभी जो है मम्मी ने अंगूर दिए हैं, अंगूर खाते हैं उसके बाद लंच करेंगे। अभी जो है धूप तो हो रखी है पर हवा जो है बहुत ठंडी चल रही है, मतलब गर्मी पसीने वाली गर्मी नहीं है। तो गाइस खाने में है चने और राजमा और चावल, अब करते हैं लंच। लंच हो चुका है पूरा और मौसम जो है बहुत ही बारिश वाला हो गया है बाहर। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा, तो चलते हैं बाहर, पूरा मौसम ख़राब हो रखा है। जो है तूफान भी आ रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है अब। फाइनली जो है बारिश पड़ गई है। बारिश के टाइम पे जो गांव में खुशबू आती है, एक एसेंस आती है, बहुत ही अच्छी होती है। और मम्मी जो है अभी नीचे जा रखी है दादी से मिलने इधर। वाह कितना प्यारा लग रहा है सामने मौसम, तब जो है बारिश के बाद इतनी ग्रीनरी हो गई है यहाँ पे। आई गेस उधर तो थोड़ी बारिश हो रही है क्योंकि उधर काला और खाया मौसम। तो वैसे मौसम जो है एकदम बढ़िया हो ही गया है, तो हम सोच रहे हैं अब छत पे जो है बैडमिंटन खेलें। तो अभी मैं जो है हॉल वाले रूम के बाहर बैठा हूँ क्योंकि अपना काम भी कर रहा हूँ ऑफिस का, और चाय भी पी रहा हूँ। शाम के टाइम पे लोग भेड़ बकरी चराते हैं ऐसे ही शाम में, एक बार सुबह ले गए थे एक बार शाम के समय। तो ये डेली रूटीन रहता है लोगों का इस टाइम पे गाय बकरियों को चराने ले जाना। तो फिलहाल मैंने अपना यहाँ वर्क स्टेशन बना रखा है, यहाँ बैठ के मैं आराम से काम कर रहा हूँ, हवा आ रही है एकदम बढ़िया। तो मम्मी भी एक किस्सा बता रही थी, मतलब मम्मी से पूछते हैं कि पहले टाइम पे लोग कैसे भरते थे पानी जब अभी नहीं है। पहले तो बहुत सारे लोग रहते थे गांव में, जमाने में लोग रात रात पानी भरता सोते थे, 3-4 बजे पानी लेने जाते थे। ददियर मियर बुआ पुष्पा बुआ हम पहले रास्ता में गुराने खुद रात 11:30 बजे। तो पहले लोगों को डर नहीं लगता था बिल्कुल भी पानी लेने, रात में भी चले आते थे, सुबह सुबह उठ के भी चले आते थे। पानी मेन था, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। तो गाइस पापा भी ऋषिकेश वाली शादी से आ चुके हैं और वहाँ से भी आया है कलियो, कलियो बोलते हैं। तो शादियों में अक्सर कलियो बांटा जाता है लोगों को गाँव में। तो ये है लड्डू है, ये इसे क्या बोलते हैं छोटे वाले को, छेना मुर्गी, बिल्ली को हमने लड्डू डाल रखे हैं चूरा करके। चाय का टाइम हो चुका है और अभी सबके मम्मी ने चाय बना दी है। तो जैसे ही योगी जी के घर के पास में बारात गई तो वहीं से, अच्छा योगी जी का घर वहीं है? हाँ वहीं पर बिल्कुल। कौन सा गांव है? पंचुर।
जो यूपी के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनका गांव भी हमारे गांव के आगे ही। कितना किलोमीटर होगा? तीन और चार को अपने गांव की साइड आ रखे थे बहुत। और उसी दिन हमारे गांव से भी बारात उतर ही गई उस साइड, तो कम से कम 70-80 गाड़ियां, पूरा जाम, पूरा लाइन लगी हुई थी उधर, पुलिस फोर्स उधर। पहाड़ों पे है धूप और इधर तो छाया हो चुकी है अब। ये मेरा लैपटॉप ना खराब कर दे चोच मार के, इसका सर का स्ट्रक्चर बड़ा अजीब सा होता है। मुझे लग रहा है वो भी मीठा खाने आ रहा है जो यहाँ पे रखा है, पर बिल्ली के चक्कर में आ नहीं पा रहा है वो। अब बिल्ली चली गई तो दोनों के दोनों ही आ गए मीठा खाने। दोस्तों अभी जो है पाइन लेन जाते हैं नीचे पानी में, जो हमारा नीचे वाला सोर्स है पानी का। तो अभी जो है हम इधर से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए यहाँ से इधर मुड़ेंगे और ये हमारा पानी का रास्ता है, तो हमें जाना है उस पेड़ के पास। तो ये है हमारे नीचे धार का पानी है इधर, और फिलहाल ये है स्ट्रगल पानी भरने के लिए। पानी के जो अभी पानी बहुत ही पतला आ रहा है बहुत ज़्यादा, और कुछ टाइम पहले तक ना इस डिक्की में पानी स्टोर होता था तो काफ़ी इजी रहता था लोगों के लिए, इसमें पानी स्टोर हो जाता था। और फिर एक रास्ता इधर गाँव के लिए भी जा रहा है, ये रास्ता सीधा आगे। तो इसके नीचे भी जो पानी का सोर्स है उसे बोलते हैं गैडू गदन, और उसके नीचे भी एक और है रगड़िया। तो यहाँ पे जो है बंठे की सफाई हो रही है, भरने से पहले ऐसे बंठे को साफ किया जाता है। तो आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में जो स्टार्टिंग में मैंने व्लॉग्स डाले थे उनमें देखा होगा, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। और उधर भर रहा है वो वाला बंठा। अभी जो है 6:30 हो रहे हैं और वहाँ पर लोग गाय भी चरा रहे हैं। अब वैसे घर जाने का टाइम हो गया, घर ले जा रहे होंगे। तो ये भर चुका है अब फाइनली, काफ़ी देर बाद इतनी पतली धार से अब इसे भरेंगे। ये जो है देसी स्टाइल है, गाँव का स्टाइल है पानी लाने का, कंधे पर रख के ले जा रहा हूँ। तो यही स्ट्रगल है गांव का पानी भरना। अगर आपको पानी भरना है तो आपको पानी पीना ऐसे लाना भी पड़ेगा। अब मैं आपको मिलूंगा सीधे डायरेक्ट घर में, क्योंकि रास्ते पर मैं वीडियो बना नहीं सकता भैया, ऐसे थकान लग जाएगी बहुत ज्यादा। पानी लेके आ चुका हूँ और अभी डुगू को वीडियो कॉल लगा रखी है और बाहर दादी और बैठ रखे हैं। तो अभी जो है हम सब दादी और बैठ रखे हैं यहाँ पे, और अंदर जो है डुगू वीडियो कॉल पे है। मौसम तो 4 दिन ठंडा है आराम से। मोटो हो चुका है हमारा मोटो। अब जो है 7:30 हो रहे हैं और अभी डिनर में क्या है, डिनर में मेरे बैंगन सब्जी, बैंगन कट रहे थे तो बैंगन और आलू होंगे, और थोड़ी देर में ताऊजी भी आ जाएंगे दुकान से। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा बाहर, तो मुझे नहीं लगता इतनी लाइट उजाला रहेगा। तो मैं करता हूँ इस ब्लॉग को एंड और मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, शेयर करते रहे इस वीडियो को, और मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। स्टे हेल्दी स्टे फिट।